नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गियों के लिए विटामिन क्यों ज़रूरी है, किस मात्रा में हमें विटामिन देना है और देसी मुर्गियों से विटामिन से जुड़े जो बातें हैं इसके ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। विटामिन जो है आपको दो तरह से मुर्गियों में हम देते हैं, एक तो विटामिन का सॉल्यूशन हमें मार्केट में अवेलेबल होगा, उसी तरह पाउडर फार्म में भी विटामिन हमें मिलता है। हम देखते हैं कि कौन से विटामिन हमें पोल्ट्री में देने ज़रूरी है। तो इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन हम देखेंगे तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। उसी तरह पानी में घुलने वाला या वाटर सोल्यूबल विटामिन हम देखेंगे तो इस ग्रुप में विटामिन सी और विटामिन बी, इस तरह के सारे विटामिन्स है और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं मुर्गियों में। और मुर्गियों में हमें विटामिन्स जो है तो यह देना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक एक करके हर एक विटामिन क्यों मुर्गियों के लिए ज़रूरी है और वह कौन से सिस्टम से जुड़ा है, उसका मुर्गियों में क्या फ़ायदा होता है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विटामिन ए क्यों ज़रूरी है। विटामिन ए जो है यह मुर्गियों की आँखों की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसी तरह अंडा उत्पादन है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, यह दोनों में भी इसका बहुत बड़ा अच्छा रोल रहता है। तो विटामिन ए जो है हमें देसी मुर्गियों में देना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए जो है हमें फिश लीवर ऑयल से और ग्रीन मटेरियल जो है इससे इजीली अवेलेबल होता है, तो ग्रीन मटेरियल भी हम देसी मुर्गियों में बहुत बार देते हैं। उसी तरह फिश लीवर ऑयल एक अच्छा सोर्स है जिससे हमको विटामिन ए मिलेगा। उसके बाद देखते हैं हम विटामिन सी है, तो विटामिन सी जो है ऑलरेडी पोल्ट्री के बॉडी में अपने आप तैयार होता है तो इसकी बाहर से ज़रूरत नहीं रहती है। और विटामिन सी का जो रोल है तो मुर्गियों में जब स्ट्रेस होता है, तान तनाव होता है तो वह कम करने के लिए विटामिन सी जो है यह बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसके बाद देखेंगे कि हम विटामिन डी है, विटामिन डी थ्री यह जो है यह बहुत ही ज़रूरी रहता है हम, क्योंकि मुर्गियों को कैल्शियम देते हैं तो ये कैल्शियम अच्छे से बॉडी में यूटिलाइज हो इसके लिए विटामिन डी थ्री जो है यह महत्वपूर्ण रहता है। और यह जो है फिश लीवर ऑयल जो है इसका सबसे अच्छा सोर्स है। और विटामिन डी थ्री जो है यह जब सूर्य किरण, सुबह की सूर्य किरण जो मुर्गियों पर पड़ेगी तो उस समय यह उनके बॉडी में तैयार होता है। इसके बाद हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे। विटामिन ई जो है यह एंटीऑक्सीडेंट है और यह खास करके जो मसल है इससे जुड़े जो बातें हैं इन तो इससे जुड़ा यह है, इसलिए हमें विटामिन ई जो है इसके लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन के। विटामिन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। हमें पता है कि मुर्गियों में कॉक्सिडियोसिस नाम की बीमारी आती है और इस बीमारी में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग इस विटामिन का होता है। और जनरल विटामिन के का रोल हम देखते हैं तो इसमें प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस के लिए इसका उपयोग होता है। इसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी में फिर और चार सब ग्रुप है, इसमें विटामिन बी वन आपको मिलेगा, विटामिन बी टू है, विटामिन बी सिक्स है, विटामिन बी ट्वेल्व है। विटामिन बी जो ग्रुप है यह मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है, यानी मुर्गियों को जो हम फीड देते हैं तो इसका ब्रेकडाउन है, यूटिलाइजेशन है, ये जो बातें हैं इससे जुड़ा यह विटामिन है। उसी तरह बाकी जो विटामिन्स है इनका लेवल जो है वह मेंटेन करने के लिए भी इसका फ़ायदा होता है। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण ग्रोथ जो है पुअर होती है, उसी तरह फीड खाना कम हो जाता है और हैचिंग परसेंटेज जो है यह भी कम आता है। तो इस तरह विटामिन मुर्गियों में ज़रूरी रहते हैं, यह हमें ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।